अच्छा, पूछना कभी है ना, जरूरत वैसे है नहीं पूछने की, बट फिर भी जब इतना बोल रहे हो तो एक बार ध्यान से पूछ ही लेना। चलो अच्छा छोड़ो, अब एक और एग्जाम्पल आप लोग से पूछता हूँ, ठीक है। एक बात बताओ, शिक्षा है किसका है? अच्छा, सर और बीरेन सर का नहीं है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है। पार्टनरशिप है सर। अच्छा चलो, कोऑपरेटिव सोसाइटी इसने बोल दिया, चलो बिजनेस पढ़ रहा है आज के लिए। चलो एक और एग्जाम्पल, एक बात बताओ बेटा, बीकानेर स्वीट्स ये किसका है? सर बीकानेर अरे स्वीट से, बीकानेर वाला अबे नाम बताओ ना। नहीं पता। चलो एक और चीज, एक सेकंड रुको, घनिष्ठ कितने बजे आना होता है? गणेश सर 5 o'clock। हाँ कितने बजे आ रहे हो? भगवान। सर लाइट ही नहीं थी सर। अच्छा एक और एग्जांपल बेटा पूछता हूँ आप श्याम लोग से अब। हाँ सुंदर अग्रवाल सर गूगल पर है। वो तो अभी तुमने गूगल करके बताया ना। चलो इसी बात पे एक और लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। हल्दीराम किसका है? हाँ करो करो करो, वो करो जरा, गूगल सर्च मारो जरा, किसका है हल्दीराम? गूगल पे बदल जाएगा हाँ सर। शिव गूगल पे पता किसान चल। अग्रवाल। हाँ ये देखो, सबके सब जो है गूगल चेप करके आ गए मेरे पास, ठीक है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से बेटा सारे बच्चे सुनना जो मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं। क्या ये शिव किशन अग्रवाल, इसको आप लोग जानते हो? नो अच्छा सर, नहीं जानते, लेकिन नो सर, क्या बीकानेर स्वीट्स को जानते हो? यस सर, हाँ, अब मेरी बात ध्यान से समझना बेटा, सारे बच्चे यहीं से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो बेसिकली जो बिजनेस की आइडेंटिफिकेशन है वो अलग होती है, और बिजनेस के जो ओनर है उनकी आइडेंटिफिकेशन अलग होती है। यानी बोथ बिजनेस और बिजनेस ओनर बोथ हैव अ सेपरेट लीगल एंटिटी। समझ में आया? एंटिटी का यस मतलब पहचान होता है, सर, एंटिटी का मतलब होता है बेटा आइडेंटिफिकेशन। सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर, एक बार फिर से बता दो सर क्या। आज तो आप BST पढ़ा रहे हो BST प्रॉपर नहीं है बेटा ये, लेकिन हाँ रूल कुछ उसी सर? तरीके से आता है। अब हम जरा बेटा इसकी लैंग्वेज देखते हैं, ठीक है। देखो क्या लिखा है, मीनिंग क्या लिखी है, बिजनेस एंड इट्स ओनर देयर आर द टू सेपरेट एग्जिस्टेंस ओनली, ठीक है। यानी उनकी अपनी अपनी अलग एक आइडेंटिफिकेशन होती है। दूसरी चीज अगर आप नोटिस करो, ठीक है, तो आईफोन कंपनी को बेटा आप उसके सिंबल से या फिर उसके ब्रांड इमेज से जानते हो, ये इस चीज से नहीं जानते कि वो किसकी कंपनी है, या फिर इसलिए नहीं खरीदते कि इसकी कंपनी है। दूसरा एग्जाम्पल, आप हल्दीराम या कोई अच्छे ब्रांड का जब कोई सामान खरीदते हो बेटा, तो जस्ट बिकॉज उसके ब्रांड वैल्यू यानी उसके बिजनेस की कुछ आइडेंटिफिकेशन है, उसलिए उस प्रोडक्ट को परचेज करते हो, ना कि उसके ओनर की वजह से खरीदते हो। समझ में आया? यस सबको समझ में आया? यस ठीक है, तो बिजनेस एंटिटी का मतलब होता है बेटा बिजनेस एंड बिजनेस मेंबर बोथ हैव अ सेपरेट लीगल आइडेंटिफिकेशन। सारे बच्चे एक काम करें, बिजनेस एंटिटी हेडिंग डालें और ये वाला पॉइंट यहां से यहां तक जल्दी से नोट करें, फर्स्ट वाला पॉइंट जल्दी से। सर, PPT शेयर करोगे ग्रुप पे? हाँ कर दूंगा, पहले नोट करो। डन सर। आप कर देना बेटा मुझे क्या? प्रिंसिपल से टैक्स इवेड कर सकते हैं क्या? अवॉइड इसी प्रिंसिपल की वजह से ना बहुत सारी कंपनीज टैक्स अवॉइड कर पाती हैं। आपको पता है पता मेरे को, नहीं बताऊंगा सर, कैसे। एक डाउट है, डाउट हाँ सर। बोलो। सर ये आप, ये एग्जम्पशन है या प्रिंसिपल है पहला ये बिजनेस एंटिटी? प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल है। एजम्पशन हम बिल्कुल लास्ट में समझेंगे। ओके सर। ईशान तुम भी कुछ कह रहे थे क्या? सर मैं कह रहा था ग्रुप ऐड कर देना मुझे। सर क्या कर देना बेटा? ग्रुप ऐड। अच्छा ग्रुप पे तुम्हें ऐड नहीं किया, ठीक है ठीक है, कर दूंगा। हाँ जी सर, आगे बढ़े बेटा, बिजनेस एंटिटी सबने नोट कर लिया। बचा लो, बिजनेस एंटिटी यस नोट कर लिया। सर, यस सर। ओके ठीक है, अब हम आते हैं बेटा अपने जरा एग्जाम्पल पे। आप एग्जाम्पल देखो बेटा, सबसे पहला एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है कि इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द ओनर्स हाउस शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द एक्सपेंस ऑफ बिजनेस। मतलब समझ में आ रहा बेटा कि बिजनेस का एक्सपेंस अलग होता है और पर्सनल एक्सपेंस अलग होता है। सपोज करो
आपने एक कार खरीदी, ठीक है, ध्यान से समझो, आपने एक कार खरीदी बेटा, अगर ये कार बिजनेस के लिए खरीदी है तब तो ये बिजनेस के पार्ट, बिजनेस का पार्ट है, बट अगर यही कार बेटा अगर आपने अपने पर्सनल यूज के लिए रखी तो क्या ये बिजनेस में इंक्लूड होगा बेटा? सर, नहीं होगा, जस्ट बिकॉज बेटा बिजनेस की एंटिटी अलग है और आपकी एंटिटी अलग है, तो ये दोनों आपस में कोरिलेट नहीं हो सकती। सबको समझ में आया? सर यस सर, आपकी वॉइस लैग हो रही है। अब उसके लिए तुम अपना नेटवर्क ठीक करो। सर एकदम अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट बेटा, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अब हम आते हैं जरा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। सबसे सिंपल प्रिंसिपल यही होता है बेटा, सबसे सिंपल प्रिंसिपल देखो, मनी मेजरमेंट का मतलब ये होता है बेटा, क्या आज के जमाने में हम लोग बार्टर सिस्टम फॉलो करते हैं? नहीं अच्छा, बार्टर सिस्टम होता क्या है ये सबको पता है ना? अब एक बात बताओ मुझे, क्या सारे के सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन, मतलब आप जितनी भी ट्रांजेक्शन करते हो सबको मनी के फॉर्म में मेजर करते हो या नहीं करते हो? गणेश, गणेश समझ में आ रहा है? अब एक बात बताओ बेटा, अगर सपोज करो तुमको कोई बिजनेस करना हो, कौन सा बिजनेस करोगे? अरे कोई बिजनेस करना हो कौन सा बिजनेस करोगे गणेश? स्टेशनरी, स्टेशनरी पागल है क्या, जिससे उसका कोई लेना देना नहीं उसका बिजनेस क्यों करेगा? ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल। अच्छा चलो ऑटोमोबाइल, चलो किसी भी बिजनेस का हम एग्जांपल ले ले बेटा, क्या हर एक बिजनेस में हर एक ट्रांजेक्शन मनी या मनी के फॉर्म में होती है या नहीं होती है? यस सर, मतलब ये बेटा कि आप हर एक ट्रांजेक्शन को मेजर करते हो किस फॉर्म में, मनी के फॉर्म में। सबको समझ में आया ये चीज? अब अगर आप जरा बेटा पहले दो पॉइंट पढ़ के देखो, क्या ये वही चीज बोल रहा है? पहले दो पॉइंट पढ़ के देखो बेटा, वही चीज है। ऑल द ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस आर रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ मनी। सारे बच्चों को समझ में आया? आया तो बेटा जल्दी से मनी मेजरमेंट, हाँ जल्दी से मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के हेडिंग डालो और फटाफट ये दो पॉइंट जल्दी से नोट करें सारे बच्चे। सर अभी आपने बिजनेस एंटिटी में यही बताया था ना कि उसके क्या कहते हैं, ओनर की अलग से आइडेंटिफिकेशन होती है और बिजनेस की अलग से। ओके हाँ जी, सर, जल्दी बेटा जल्दी जल्दी नोट करें सब लोग। डन डन, शाबाश शाबाश। गणेश बाबू नोट हुआ कि नहीं? डन डन सर, शाबाश। अरे आसिफ आया कि नहीं कोलकाता से वापस? नो सर, वो तो सितंबर में आएगा। उत्तरी, अच्छा। अब बेटा हम आते हैं जरा इसके एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल इसके पढ़ने की जरूरत नहीं हमें। अब आते हैं जरा नेक्स्ट, अच्छा, एक मिनट रुको रुको रुको, जल्दी बेटा जल्दी नोट कर। सर इसके एग्जांपल्स नहीं पढ़ना? इसके एग्जाम्पल तो बताने की जरूरत है कि मनी मेजरमेंट में हर एक कॉन्सेप्ट क्यों होता है। सर हो गया। चल नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले पहले आप लोग ये बताएं कि हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़े बेटा, एक पढ़ा हमने बिजनेस एंटी सेपरेट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट समझा, और दूसरा हमने समझा बेटा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। अब तीसरा कॉन्सेप्ट है बेटा हमारा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। चलो एक सवाल आप लोग से पूछूंगा, आप लोग जवाब देंगे, आंसर वहीं से निकल के आ जाएगा। सवाल ये है बेटा, रुको रुको रुको, किससे पूछा जाए? अभी कुछ बच्चों ने एग्जाम्पल दिया था ना, अच्छा गुलाटी ड्रिंक्स का। ऋषभ माइक ऑन करो जरा, कौन से ड्रिंक बेचेगा ये? सर हाँ कौन से ड्रिंक बेचेगा भाई? लेंगे प्रॉफिटेबल बिजनेस अच्छा का अच्छा 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 कब तक बेचोगे? अच्छा सर, जब तक लोग पीते रहेंगे। सर जब तक लोग पीते रहेंगे, ठीक है। सोहेल आया कि नहीं आया आज? आया नहीं, वरना भी पूछ रहे। सिद्धांत से पूछेंगे, सिद्धांत कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना है फ्रूट छोड़ करके, जब देखो देख तब। लो सर कुछ भी, सर लेकर शॉप। ये राम जेवड़े आदमी, नहीं कोई रहने दो रहने दो, हम दूसरा एग्जाम्पल शूट करते हैं।
नायर कौन सा बिजनेस स्टार्ट करेगा? लेकर शॉप, प्रॉफिट बहुत ज्यादा है। गणेश सर होटल इंडस्ट्री। शाबाश, ठीक है। चल एक बार बता गणेश, अगर होटल अपना तूने खोला कब तक उस बिजनेस को कंटिन्यू करेगा? सर जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसके अंदर। बेटा आंसर आ चुका है आपका, ठीक है। दैट इज नोन एज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। बेटा गोइंग कंसर्न का मतलब ये होता है कि टिल द टाइम, एट द एंड ऑफ द टाइम, जब तक आप अपने बिजनेस को सर्वाइव करा सकते हो तब तक आप अपने बिजनेस को क्या करोगे बेटा? गोइंग कंसर्न, यानी आप उस अपने बिजनेस को कंटिन्यू करते रहोगे। सो दैट इज नोन एज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कि बेटा जब तक आपके हाथ में बिजनेस चल रहा है, जब तक आप उसको सुटेबली आप उसको रन कर सकते हो तब तक आप अपने बिजनेस को चलाओगे, एंड दैट इज नोन एज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो द बिजनेस विल कंटिन्यू इन ऑपरेशनल एग्जिस्टेंस फॉर द फोरसीएबल फ्यूचर। फोरसीएबल मतलब बेटा जब तक आपके लिए फ्यूचर में पॉसिबल है। क्या सारे बच्चे को गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट समझ में आया? यस सर, यस सर, यस सर। अब एक काम करें बेटा, ठीक है, इसका जो फर्स्ट पॉइंट और जो सेकंड पॉइंट है दोनों जल्दी से लिखें, जल्दी से। सर अगर फ्यूचर में लॉस हो गया तो बंद हो जाएगा वो, फिर बंद करना पड़ेगा ना? जब तक आपके लिए पॉसिबल है कि आप उसको सरवाइव करा सकते हो बेटा तब तक आप उसको कंटिन्यू रखोगे। सर ये अकाउंटिंग होती है उसके अंदर यही होता है ना कि जो अकाउंटेंट्स होते हैं वो यही अज्यूम करते हैं कि बिजनेस चलता रहेगा। करेक्ट, ठीक है सर। तू बैठा कहाँ है आज? तो मैं डाइनिंग में बैठा हूँ, मैं हेडफोन के पीसी पे। तभी, अच्छा ठीक है। सबने नोट कर लिया बेटा? सर कर रहे हैं सर, सेकंड वाली बहुत बढ़िया, इसको जैसे टाइम लगेगा। हाँ तेरे दिमाग से भी बड़ी है, चल जल्दी नोट कर। शाबाश। अब आप लोग को इससे रिलेटेड ना एक एग्जांपल समझाता हूँ, ठीक है, शायद थोड़ा सा बेटर समझ में आ जाएगा ये चीज, ठीक है। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट बेटा अब तक जो जिस कंपनी ने सबसे अच्छा यूज किया है उस कंपनी का नाम है बेटा सैमसंग कंपनी, ठीक है। अब आपको उसका रीजन बताता हूँ क्यों। बेटा कुछ 2001 से लेकर के 2007 तक सैमसंग कंपनी ने अराउंड 18,000 करोड़ रुपीज का लॉस सफर किया था, ठीक है। बट सिंस उनके पास बैकअप इतना अच्छा था कि वो उस लॉस को बियर कर गए, ठीक है। एंड आफ्टर 2007 जब मार्केट से नोकिया गायब होने लगा तब जाकर के बेटा सैमसंग कंपनी मार्केट में अपना स्टैंड मेंटेन कर पाई और प्रॉफिट कमा पाई। इससे पहले और भी मोबाइल कंपनीज थी बेटा जो करीब एक दो साल तक लॉस सफर करने के बाद मार्केट से हट गई, बट अकेली एक सैमसंग ऐसी कंपनी थी बेटा जिसने लगातार 6 साल तक लॉस सफर किया, बट उनका बिजनेस गोइंग कंसर्न पे चलता रहा क्योंकि उनके पास अपने बिजनेस को कंटिन्यू करने के पॉसिबल कंडीशंस थे। समझ में आया? सर पैनासोनिक का भी यस। हाँ पैनासोनिक का भी रहा है इसी टाइप से कुछ रिलेशन। अब ये बताओ सारे बच्चों को समझ में आया? यस यस। सारे बच्चों को यस। अब हम आते हैं जरा सर कंडीशन, मतलब क्या चीज कंडीशन जो ट्वेल्थ है भैया, कंडीशन मतलब वो अपने बिजनेस को सरवाइव कर सकते थे इतने फंड्स उनके पास पड़े हुए थे, ठीक है। अच्छा अब आते हैं हम जरा थोड़े से ये टेक्निकल टर्म्स पे बेटा। अब हमारा प्रिंसिपल है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, तो उससे पहले हमने जितने पढ़े एक बार वापस से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा भाई, कौन सा कॉन्सेप्ट था हमारा? बिजनेस एंटिटी, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है बेटा। दूसरा क्या था? मनी मेजरमेंट। अच्छा ओके मान गया। तीसरा पॉइंट क्या था बेटा? तीसरा गोइंग कंसर्न। तो बेटा बिजनेस एंटिटी का मतलब होता है बिजनेस एंड बिजनेस ओनर बोथ हैव अ सेपरेट लीगल एंटिटी। दूसरा होता है बेटा आपका कौन सा? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर आप हर एक ट्रांजेक्शन को मनी के फॉर्म में रिकॉर्ड करते हो। और तीसरा आपने पढ़ा बेटा अभी गोइंग कंसर्न, कि जब तक आपका बिजनेस बेटा पॉसिबल हो सकता है आप अपने बिजनेस के लॉसेस को मेंटेन करते हुए आगे बढ़ते रहते हो। पॉइंट समझ में आ गए यहां तक?
अब हम आते हैं बेटा जरा हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट. अब जरा इस चीज के बारे में ध्यान से सुनना बेटा. सपोज करो बेटा आपने एक सामान है बेटा, ध्यान से सुनना ठीक है. एक लेट से एक कार है ठीक है. इसको आपने परचेज किया था बेटा लेट से 2015 में, और अभी आप इसको 2020 में बेच रहे हो बेटा लेट से 4 लाख रुपीज में. अब एक बात बताओ बेटा, आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस? लॉस. तो 2015 मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूँ. देखो हमने 2015 में एक कार खरीदी बेटा ठीक है, और उसको 2020 में बेच दिया बेटा 4 लाख रुपए का. मैं आपसे पूछ रहा हूँ प्रॉफिट हो रहा है या लॉस? लॉस. सर टाइम पीरियड के हिसाब से वैल्यू कम हो जाती है, डेप्रिसिएशन. बात चलो मैं सब समझ गया ठीक है, लेकिन आपको पता कैसे चल रहा है कि लॉस हो रहा है या कितने रुपए का लॉस हो रहा है? चलो ये बताओ. टाइम की वजह से. अच्छा अच्छा, कितने रुपए का लॉस हो रहा है बस इतना बताओ. ये नहीं पता क्योंकि आपने कार की वैल्यू नहीं बताई अभी तक. डन, शाबाश बेटा. आप लोग ने ना अपने हिसाब से बता तो दिया कि सर लॉस हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है. पहली चीज तो ये है बेटा कि आपको इसके पुरानी कॉस्ट तो पता ही नहीं ना कि आपने इसको खरीदा में कितने में था. आप कैसे बोल सकते हो कि ये लॉस में बिकी? पॉइंट समझ रहा है? दो दिन पुराने चीजें भी डेप्रिशिएट हो जाती है. चल एक बात बता, सपोज कर तेरे पास जो है कोई बहुत ही अच्छी स्पोर्ट्स कार है जो मार्केट में किसी के पास नहीं है ठीक है, तो क्या तू उसको प्रॉफिट पे नहीं बेच सकता? सर बोलो. देखो सिंपल सी चीज ये कि हम अपनी तरफ से कुछ एंटिसिपेट नहीं कर सकते. द पॉइंट इज कि सर आपने ये बता दिया कि 2020 में आप इसको 4 लाख रुपए में बेच रहे हो, बट सर प्रॉफिट और लॉस या फिर कितने रुपए का लॉस है कितने रुपए का प्रॉफिट है वो तब पता चलेगा जब हमें इसकी परचेजिंग वैल्यू पता चलेगी. पॉइंट समझ में आया सारे बच्चों को? यस सर. तो मतलब बेटा हम कौन से प्राइस की बात कर रहे हैं? 2015 की बात कर रहे हैं, और 2015 हमारे आज के लिए कैसा हो जाएगा प्राइस बेटा? हिस्टोरिकल प्राइस. पॉइंट समझ में आया? यस सर. कि हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट किस लिए यूज होता है? To identify your business profit and loss. क्या सारे बच्चे को ये चीज समझ में आई? Yes, ठीक है. Yes, मतलब ये बेटा कि ठीक है आपने ये समझ लिया कि सर हम फ्यूचर में इस सामान को इतने रुपए में बेच रहे हैं, बट बेटा उस पर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ या फिर कितने का प्रॉफिट हुआ या कितने का लॉस हुआ वो तो हमें तब पता चलेगा ना जब हमें उसके एक्चुअल यानी पुरानी वैल्यू पता होगी. पॉइंट समझ में आया? जी सर. समझ में आया? सर एक डाउट है. हम बोलो गौतम. सर हम कार्ड तो पर अपने पर्सनल यूज के लिए लेंगे ना, तो अगर बेचेंगे तो बिजनेस से क्या लेना देना? सर तुम्हारा डाउट क्लियर कर देते हैं. अब बोलो. हो गया सर. अच्छा अच्छा, हो गया. चलो बढ़िया ठीक है. अच्छा अब थोड़ा सा इस चीज पे हम और ध्यान लगाते हैं. एक और एग्जांपल देता हूं, रुको. हाँ सपोज करो हमारा संभव है ठीक है. संभव ने कुछ 4 साल पहले ठीक है एक साइकिल खरीदी थी जिसको उसने आज 500 रुपए में बेच दिया. अब पॉइंट क्या आता है बेटा, उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ या कितने का प्रॉफिट हुआ कितने का लॉस हुआ वो कब कैसे पता चलेगा? अच्छा ठीक है. तो बेटा अब इसी बात पे अगर आप लोग को ये चीज समझ में आया ठीक है, तो जरा इसको अच्छे से एक बार पढ़ो जरा. तो गणेश तुमको समझ में आया कि नहीं आया? यस सर. पढ़ो जल्दी से, पढ़ो बेटा जरा इसको. तो इसको लिखना नहीं है. पढ़ लिया? अगर पढ़ लिया बेटा तो उसको एक बार नोट भी करो. अब हाँ सर, ये प्रॉफिट होगा लॉस होगा? कौन सा? संभव की साइकिल वाला? हाँ सर. वो तो हमेशा लॉस होगा बेटा, कोई क्वेश्चन ही नहीं उसका. होगा आपने इतने की साइकिल ली और आपका फिर आपने अच्छे तरीके से यूज भी कर लिया 4-5 साल उसके बाद आपने बेच. हाँ बेटा उसको प्रॉफिट नहीं, उसको बोलते हैं हम एफिशिएंट कंजप्शन, दैट इज नॉट प्रॉफिट बेटा. ठीक है ठीक है सर. मेरा एक और डाउट है, लास्ट डाउट. आप पूछो पूछो, अभी क्लियर करते हैं. सर जैसे आपने कोई भी एसेट खरीदा हो गया
बिल्डिंग, तो अगर उसका 4 ईयर बाद उसका मार्केट वैल्यू कम हो गया, डिप्रिसिएशन हो गया बिल्डिंग में, तो आप वो आप मतलब आप पिछले साल की बैलेंस शीट जो बनी है उसमें उसमें रिकॉर्ड करोगे या कहाँ रिकॉर्ड करोगे, चेंज करोगे उसकी वैल्यू? जब लॉस हो जाएगा तो करंट ईयर की बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे, वरना जब तक लॉस नहीं हुआ तो हम उसको रिकॉर्ड उसके पुराने वैल्यू पे करते हैं। ओके सर, नोटेड। अब आप जरा देखो बेटा, सो एसेट शुड बी शोन इन द बैलेंस शीट एट द कॉस्ट ऑफ परचेज इंस्टेड ऑफ द करंट वैल्यू। मतलब अभी आपने देखा था वो कार वाला एग्जाम्पल था, हमने उसको 4 लाख में बेचा, बेटा वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, हमने कितने में खरीदा यानी कितने में लिया था, कॉस्ट ऑफ परचेज वो रिकॉर्ड करना जरूरी है। जस्ट बिकॉज जब तक आप कॉस्ट वैल्यू रिकॉर्ड नहीं करोगे बेटा, तब तक आप अपने बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस पता नहीं कर सकते। सारे बच्चों को समझ में आ गया हिस्टोरिकल कॉस्ट? अच्छा, अब आते हैं बेटा सबसे इंपॉर्टेंट, जरा हेडिंग डालना अपनी नोटबुक में और इसके आगे लगाना मोस्ट इंपॉर्टेंट, हेडिंग डालना बेटा प्रूडेंस और / कंजर्वेटिज्म, और इसको लगाना बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसके बारे में जरा कुछ लिखना जो मैं लिख रहा हूं। ये नोट कर लो बेटा, फिर समझाऊंगा। सर हो गया, सब लोग नोट कर ले बेटा। डन। ओके ओके डन। डन डन सबका सर। डन डन। ओके, अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना बेटा। सबसे पहले एक एग्जाम्पल देता हूँ, क्योंकि जब तक वो एग्जाम्पल नहीं समझ में आएगा आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। किसका एग्जाम्पल ले? गणेश माइक ऑन करो जरा। यस सर। चलो अब ध्यान से सुनना। सपोज करो तुम्हारा एक बिजनेस है, तुमने होटल का बिजनेस बोला, चलो होटल का बिजनेस है ठीक है। सपोज करो भगवान, मान लो मेरी शादी होने वाली है, अब मान ही सकते हो, खाली होनी तो है नहीं अभी फिलहाल। सपोज करो मेरी शादी होने वाली है ठीक है, मैं आया तुम्हारे पास, तो तुम ये हो ठीक है, मैं ये हूँ ठीक है, मैं तुम्हारे पास आया, तो क्या ऐसा हो सकता है कि तुम मेरे को चाय पानी भी पिलाओ? यस सर। अच्छा चलो, चलो टी एंड कॉफी तो हो गई, चलो अच्छा ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम अपने जितने भी तुम्हारे यहाँ मतलब लोग इंक्वायरी करने आते हो, ऑलमोस्ट सबको टी एंड कॉफी पूछते हो, सो दैट तुम्हारा एक जो बिजनेस रिलेशन है वो अच्छा बन सके? यस सर। अच्छा तो बेटा ऐसा होता है क्या कि तुम अपने एम्प्लॉयज को छोटी मोटी पार्टीज भी दे सकते हो? सो होता ही है उनको हैप्पी रखने के लिए। हैप्पी ना, हाँ बहुत हैप्पी रखना जरूरी होता है। अच्छा ऐसा भी होता है क्या कि आपके यहाँ जब लोग आते हैं तो आप उनको टेस्टिंग वगैरह भी कराते हो अपने डिशेस की? नो सर। अच्छा मेरे साथ तो हो जाना चाहिए, हैप्पी रखना है ना सर। ऐसे तो बहुत कुछ हो सकता है, एंड बहुत कुछ हो सकता है बेटा, और इससे ज्यादा ना करना ठीक है, होटल का बिजनेस है और किसी चीज का नहीं। अब मेरी बात ध्यान से बेटा, जरा सारे बच्चे समझेंगे, सारे बच्चे बेटा दिमाग खोल करके जरा सुनना बेटा। एक बात बताओ, टी एंड कॉफी पिलाना, रिफ्रेशमेंट देना ठीक है, या फिर कुछ अगर टेस्टिंग वगैरह करा रहा है, क्या इसमें इसके बिजनेस का ये एक्सपेंस कंसीडर होगा या नहीं? मतलब मेरा पॉइंट ये था बेटा कि सपोज करो 5 लाख रुपए की रोज की सेल्स हो रही हो ठीक है, और उसमें अगर आप गलती से 50 रुपए की रिफ्रेशमेंट कॉस्ट भूल गए, तो ये पॉसिबिलिटी है या नहीं है, ऐसा हो सकता है कि नहीं? बट क्या इससे, अगर आप इस चीज को भूल गए बेटा रिकॉर्ड करना, तो क्या इससे ये पॉसिबिलिटी है कि आपके बिजनेस का जो प्रॉफिट या लॉस आएगा वो एक्यूरेट फिगर नहीं शो करेगा?
तो बेटा बिजनेस का एक कॉन्सेप्ट बोलता है कि आप अपने बिजनेस के सिर्फ प्रॉफिट को एनालाइज नहीं करोगे, बिजनेस के जितने एक्सपेंसेस हैं, जितने लॉसेस हैं, उनको भी एनालाइज करना जरूरी है, सो दैट आपके बिजनेस का एक्यूरेट प्रॉफिट या एक्यूरेट लॉस कितना है वो समझ में आ सके। सारे बच्चों को ये पॉइंट समझ में आया? अच्छा, अब एक और एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है? अब सारे बच्चे जरा इस एग्जाम्पल को देखेंगे, आप ही लोग बताओगे, ठीक है? फिर मैं जाकर के इसके बारे में आप लोग को समझाऊंगा। सपोज करो, ध्यान से सुनना, अभी हम बात करते हैं संभव की, ठीक है? संभव कौन सा बिजनेस? सर हाँ, गारमेंट्स का। सर गारमेंट्स का बिजनेस, चलो भाई संभव का गारमेंट्स का बिजनेस है, ठीक है? चलो सपोज करो संभव ने एक ब्रांच खोल रखी है बेटा मालवीय नगर में, ध्यान से सुनना बेटा सारे बच्चों, बेटा एक ब्रांच खोल रखी है लेट सपोज सीपी में, एक ब्रांच खोल रखी है लेट सपोज और कहां पे भाई, करोल बाग में, ठीक है? और कहीं खोलना संभव? सर सदर बाजार। सदर बाजार, अच्छा सर चोर बाजार। अब पागल है क्या, वहां तो संभव खुद ही जाता है खरीदने। अब छोड़ो, अब हम वहां आगे बढ़ते बेटा, जरा ध्यान से समझना बेटा, संभव को मालवीय नगर से बेटा प्रॉफिट हुआ कुछ 10 लाख रुपए का। संभव 10 लाख में कितने जीरो होते हैं पहले ये बता, काउंट कर रहा होगा बैठ के, फिर कहेगा सर आवाज नहीं आई, हे भगवान। बेटा सपोज करो मालवीय नगर में 10 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, ठीक है? सीपी में 10,000 रुपीज का बेटा लॉस हो गया, ठीक है? करोल बाग में बेटा सपोज करो 5 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया, ठीक है? और सदर बाजार में इसको 6 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया। अब बस जब कुछ पूछूंगा जरा एक बात बताना मेरे को आप लोग, ठीक है? अगर आप इसका ओवरऑल परफॉर्मेंस देखो बेटा, तो इसके बिजनेस अच्छी कंडीशन में है या खराब कंडीशन में है? सर अच्छे बिल्कुल अच्छी कंडीशन बेटा, क्योंकि आप देखो तो चारों बिजनेस को मिला करके इसको कुछ नहीं तो कुछ 20,90,000 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है ना। संभव 20 लाख में कितने जीरो होते हैं? संभव 20 लाख में कितने जीरो होते हैं? सर 6। पागल है क्या, 4 होते हैं। अच्छा, मेरे को तो ठीक हो, तुम पहले बताओ 20 लाख कभी सुना है, कभी सपने में भी देखा है कि तुझे प्रॉफिट हो रहा हो? सर पापा के पास देखे। पापा के पास देखे ना, तुम थोड़ी ना अभी पापा हो गए हो, ठीक है? अच्छा फिलहाल अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा सारे बच्चों, ठीक है? ध्यान से सारे बच्चे समझेंगे बेटा, ऐसी पॉसिबिलिटी है क्या कि ये जब इतना ज्यादा प्रॉफिट हो रहा हो तो बेटा ये इस लॉस को हो सकता है इग्नोर कर दे, ऐसी पॉसिबिलिटी है बेटा? सर ऐसी पॉसिबिलिटीज है लॉस इन द सेंस, मैं ये बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो, मैं ये बोल रहा हूँ कि हो सकता है ऐसा हो जाए कि मैं इससे पूछूं यार ये वाला बिजनेस तो चल ही नहीं रहा, तो ये तो बोल सकता है ना कि देखो सर ऐसा है मेरे 3 बिजनेस इतना अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं, मैं चाहूं तो सीपी वाले बिजनेस में थोड़ा बहुत लॉस सफर कर सकता हूं क्योंकि मुझे बहुत प्रॉफिट आ रहा है, या जो सीपी का लॉस है वो बहुत कम है, ऐसी पॉसिबिलिटी है? है ना। बट अब जरा ध्यान से समझना, अगर ये कॉन्सेप्ट यूज कर ले प्रूडेंस का, यानी कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, यानी डू नॉट एंटिसिपेट ओनली बिजनेस प्रॉफिट बट ऑल्सो एंटिसिपेट बिजनेस लॉस, यानी ये क्या कर रहा है अपने बिजनेस में इसको क्यों लॉस हो रहा है, कहां लॉस हो रहा है, अगर इसको एंटिसिपेट कर ले तो क्या बेटा इसका बिजनेस जहां पे इसको लॉस हो रहा था उसको ये प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकता है कि नहीं? यस सर। बताओ बच्चों, सब लोग बताओ। यस सर। ये होता बेटा प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, यानी कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट इसलिए यूज होता है बेटा, सो दैट आप अपने बिजनेस में कहां लॉस हो रहा है, क्यों एक्सपेंस इतना ज्यादा हो रहा है, उस चीज को एनालाइज कर सको और उसको एलिमिनेट भी कर सको। क्या सारे बच्चों को समझ में आया ये पॉइंट? यस सर। यस सर। यस अब एक बार जरा बेटा इसको फटाफट जल्दी से रीड करो, तो रीड नहीं करना सॉरी नोट करना है, सिर्फ फर्स्ट पॉइंट जल्दी से नोट करें बेटा, फर्स्ट पॉइंट।
हो गया रीड सॉरी हो गया नोट यस सर सबका नोट हो गया भाई बच्चों तर नहीं हुआ अच्छा एक सेकेंड